अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। और आज इस्लामाबाद में है बहुत शदीद सर्दी, और आज यहाँ बिल्कुल सूरज नहीं निकला है। बहुत फॉगी वेदर है आज यहाँ का, और बड़ा मज़ेदार सा लग रहा है। मैं दिखाती हूँ आपको उसकी ठंडी ठंडी मॉर्निंग है। और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, पहले नाश्ता करते हैं। नाश्ते के बाद देखते हैं कि कहाँ निकल रहे हैं हम, फिर मैं आपको बताती हूँ। और अभी देखें कितना ज़बरदस्त सा मौसम है, और मैं आपको दिखा रही हूँ। और अभी हम जा रहे हैं कोई ढाबा टाइप देखते हैं, वहाँ पे करेंगे हम नाश्ता, और नाश्ते के बाद हम निकलेंगे नथिया गली के लिए। तो हमारे साथ साथ ही रहें आप लोग, और अभी चलते हैं करते हैं नाश्ता। और आ गया है जी हमारा नाश्ता। ये ऑरेंजेस जो हैं वो अम्मी ने फ्रूट्स लिए थे रास्ते से, तो वो। और अब हो गई है यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी, आपको मेरे मुंह से धुएं निकलते हुए नज़र आ रहे होंगे। और ये मेरी औलाद है, ये मेरे हस्बैंड ब्लॉग देखेंगे तो देख लें। आपकी औलाद ने जो है वो टोपा नहीं लगा रहा है कि उनके हेयर स्टाइल ख़राब हो जाएगी। मैं टोपा लगा रही हूँ अंदर जाके। ईशा ने तो इनर भी पहन लिया, स्वेट शर्ट भी पहन ली, जैकेट भी पहन ली, जिप भी लगा ली। मोहम्मद को कुछ भी नहीं करना, चाय भी है ना खोल के। हाँ, यहाँ हर बंदा आपको बगैर कैप का कोई नजर नहीं आएगा। ये यहाँ वालों को ज्यादा, हमारे बच्चों को ज्यादा होता है। ये बोरी वाला टूट जाएगी। तो चलें अभी निकलते हैं यहाँ से और आगे चलते हैं। नाश्ते के वाले ब्लॉग पूरा शूट नहीं कर सके यार, बच्चों के साथ बड़ा मैस हुआ होता, सुबह सुबह बड़ा तंग करते हैं। तो चलें अभी गाड़ी में बैठते हैं और निकलते हैं। कहाँ जाते हैं वो आपको बताती हूँ। और अभी हम लोग आ गए हैं मरी टूल प्लाजा पे, और यहाँ पे हम टूल टैक्स पे कर रहे हैं। और ये साहब पॉपकॉर्न बेच रहे थे, अम्मी ने कहा पॉपकॉर्न ले लेते हैं, आगे आएंगे बहुत सारे बंदर। और अभी हम लोग जा रहे हैं पहले नथिया गली, नथिया गली ही जाने का हमारा इरादा है। स्नोफॉल अभी तक हुई नहीं थी, और ये जनवरी के लास्ट वीक का ही ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बस अभी हम लोग जा रहे हैं, यहाँ का खूबसूरत मौसम। इस वक्त धूप इतनी मज़ेदार लग रही थी, और ठंड में जो है वो धूप का मज़ा बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि इस्लामाबाद में तो धूप ही नहीं निकली। तो बस मैंने सोचा कि आप लोग को अपने साथ इंजॉय कराऊँ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू और सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े मज़े के व्लॉग्स इंजॉय कर सकें। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं नथिया गली। बड़े अरमान लेके कराची वाले जाते हैं कि स्नोफॉल मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। और ये ज़बरदस्त किस्म की शॉल्स मिल रही हैं, वापसी पे मैं लूँगी यहाँ से शॉल। और अम्ब्रेलाज मिल रही हैं, लेकिन ना स्नो है और ना बारिश है और ना तो इस अम्ब्रेला का क्या करें। तो चलें जी चलते हैं नथिया गली, और आपको मिलते हैं नथिया गली चल के। गाड़ी में आ गया। ये दोनों भाई साहब जो हैं वो जुए निकाल रहे हैं, गंदे लोग। मजे लगा इनके, छोटा बच्चा भी गोद में थी। गंदे ये बहुत झपट्टा मारेगा। ये मैं बता रही हूँ, मोबाइल लेके भागते हैं लोग की चीजें लेके भागते हैं। मोबाइल बाहर क्यों निकाला हुए? तो ये देखो ये मेरे नीचे ही बैठे हैं। ये भाई तो हमारे ऊपर ही आके बैठ गए। स्माइल करो, हम आपके फैन हैं, फैन आए आपके। पहचान रहे मोहम्मद तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, आप कैसे हैं? सलाम कर लीजिए, आपका बहुत बड़ा फैन। अरे ये तो फैन नहीं, वो कह रहे मेरा फैमिली मेंबर आ गया है। वो देखो अम्मा बच्चे बाहर क्यों नहीं उतर रहे? बाहर क्यों नहीं उतर रहे बेटा? हां उतरो, इसे लेके चल जाएंगे। ये देखो हां सब तो देखो यहां आके बैठ गए। मोहम्मद तुम्हारी वजह से आ रही है, तुम्हें याद कर रहे हैं। हाथ भूल लिया यार उसके। वो वही बैठा है मामू के बराबर में, देखें। चल भी ना है चल भाई, अदील अदील निकल यहाँ से। एक मिनट ओए चल रहा है ना, ये कह रही चल रहा है। अरे आनी है, दे दे ऊपर बिस्किट अच्छे है ना। अम्मी वो आपके साथ बराबर में खड़ा हुआ, दिल के साथ सेल्फी ले रही है। अरे इसको खुज लिया, अरे इसको खुज लिया। ये देखिए ये भाई साहब आ गए, ये एक लटके हुए हमारे मिरर के ऊपर। अबे मम्मा और ये मेरे साइड पे खड़ा हुआ है। बस यार बहुत हो गए शोर शराब। हम ये बिस्किट पिला रहे सारे बड़े वाले, वो चार पांच के भी भाग गया। मामा आप नहीं दे, जुआ देख, ये जुआ देख रहा है। जुआ
और अभी हम लोग आ गए हैं नथियागढ़ी और यहाँ हम रुके हैं ताज होटल। तो यहाँ चलते हैं और यहाँ देखते हैं क्या है। सर्दी है काफ़ी लेकिन धूप मज़ेदार लग रही है इस वक्त और सब बच्चे बच्चे आ रहे हैं। और ये आ गई है हमारे यहाँ की स्पेशलिटी पटाखा चिकन, जो कि हमने कभी ट्राई नहीं करी, फर्स्ट टाइम ट्राई करी। और ये आ गई है चिकन कढ़ाई, और ये आ गई है सैलड, और रोटी आ रही है, ये आ गई है नान। तो चले आप इसको टेस्ट करती हूँ, बताती हूँ आपको। यहाँ अब करते हैं खाना स्टार्ट। मोहम्मद का दिमाग तो सिर्फ बंदरों के पीछे ही लगा हुआ है, उसने बहुत तंग किया खाना खाने में। तो बस अभी मैं यहाँ सैलेड खोल रही हूँ, थोड़ा सा आपको मूड ख़राब लग रहा होगा क्योंकि मैंने अभी मोहम्मद को डांटा है, वो खाना नहीं खा रहा और उसको सिर्फ बंदरों के पास जाना है। और डर लग रहा था भाई ये बंदर हमला भी कर देते हैं, इतने सारे बंदर हैं हर तरफ, और आगे मेरे साथ क्या ख़तरनाक सीन हुआ बंदरों का, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और अब आ गया है हमारा खाना, और खाने में हमने मंगाई है चिकन कढ़ाई, और चिकन कढ़ाई टेस्ट करती हूँ और बताती हूँ आपको कैसी है, और पटाखा चिकन इसके बाद ट्राई करती हूँ। मज़ेदार है, टेस्टी है वो ना। अब मैं पटाखा चिकन में रूखा ट्राई करती हूँ, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ पटाखा चिकन, मैंने इससे पहले खाई नहीं कभी। सही है, अच्छी लिक्विड स्पेशल चीज़ नहीं लगी, मिलती हूँ खा के आपको। हमने अब खाना वाना खा लिया है यहाँ से, और अब थोड़ा सा पैदल वॉक करेंगे यहाँ पे, उन्होंने जगह बताई आगे की, और यहाँ से आगे चलते हैं और फिर आपको बताते हैं। इस वक्त हो रही है यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सर्दी, धूप ख़त्म हो रही है ना तो बहुत तेज़ सर्दी लग रही है, और अगर धूप में खड़े रहो तो मज़े की धूप लग रही है, यानी कि ऐसा है कि वो नीचे थोड़ा सा अभी खोलने का दिल नहीं कर रहा, ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा ना, अब धूप हल्की हल्की ख़त्म होती जा रही है। और यहाँ सब मेरे आगे पीछे दुकानें हैं, यहाँ पे तो बच्चे जो इधर से इधर भाग रहे हैं, इधर से इधर भाग रहे हैं, और अभी हम जब यहाँ से वापस चलेंगे तो फिर हम रास्ते में जो शॉल्स के शॉप हैं तो वहाँ पर भी रुकते हैं और शॉल्स देखेंगे कोई। और यहाँ आगे कोई स्पॉट है अच्छा गली का जो पार्क है, हाँ बेटा वो पैदल चलेंगे वहाँ पर, तो बस वहाँ चलते हैं, वहाँ देखते हैं कुछ पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं और मैं आपको आप लोग के लिए ब्लॉग बनाती हूं। अभी हम लोग पीछे एक क्विक डोनट है यहाँ का, वो ले रहे हैं अभी टेस्ट करके, मैं आपको दिखाती हूँ क्या चीज़ है ये। मीठा डोनट, ये मीठे डोनट्स हैं, ये बच्चों ने लिए यहाँ से अभी, ये बाबा जी बेच रहे हैं इसको। हाँ ये ले 60 है, दो नहीं मैं एक खाऊंगा, हां मैं एक, आप ले लो। ओ भाई मैं नहीं खाऊंगा, ले लो ना, खा लो, मैं खा लूंगा, खा लूंगा, नहीं खाती तो मैं खा लूंगी। टेस्ट में कैसा है? पैसे दे दिए, अंदर बने बाहर हनी के ऊपर कोटेड है। अच्छा, हनी के ऊपर कोटेड है, ऊपर हनी की कोटेड है, हनी। हाँ भाई फैशन सारा एक तरफ लेकिन सर्दी एक तरफ, अभी हम शेरवानी में सर्दी है, बगैर कैपी गुजारा नहीं है भाई। हमारी जो औलाद है ना इसको सर्दी नहीं लगती, पता नहीं क्या सर्दी ऊपर। और यहाँ पड़ गई मुझे डांट अम्मी से, अम्मी मुझे डांटने लगी कि कहाँ तुम लटक रही हो बाहर पिक्चर्स के चक्कर में, वीडियोस बनाने के चक्कर में पीछे हट के खड़ी हो, क्योंकि यहाँ काफ़ी गहरी खाई थी। तो पहले अम्मी ने मुझे डांटा, फिर दो मिनट बाद मेरे बच्चे आगे जाने लगे तो मैंने उनको डांटा, तो मैंने अपनी अम्मी को बोला, मैंने कहा अम्मी क्या बात है आपने मुझे डांटा, मैंने अपने बच्चों को भाई हुआ है कि हम लोग उतर रहे थे सीढ़ियों से वापस, और वापस उतरते वक्त मुझे आवाज़ लग रही थी कि बंदर है, वो इतने बड़े साइज का बंदर था और वो अचानक जंगला के बीच में आ गया, और मैं चीही भाई भाई, तो मेरा अपना भाई भागता हुआ आ गया, लेकिन जो वहाँ सामने भाई तो उन्हें आवाज़ भी गई, वो यूज टू है शायद और हम यूज टू नहीं है, तो इसलिए अब हम ऊपर नहीं जा रहे, चलते हैं वापस। और अभी हम वहाँ से निकल गए हैं और आगे की तरफ जा रहे थे, रास्ते में एक स्टॉल पड़ा था शॉल वाला, तो मैं यहाँ पर रुकी हूँ और यहाँ से मैंने ली है शॉल, एक अपने लिए लिए यहाँ से, और एक मैंने नथिया गली की एक शॉप से ली थी जहाँ से रेस्टोरेंट में खाया था, उसके बराबर में थी लेकिन उन्होंने वीडियो बनाने को मना कर दिया तो मैंने नहीं बनाई उनकी वीडियो। अभी मैं आपको वो जगह दिखा रही हूँ जब मैं पहली दफ़ा ट्रिप पे आई थी आपके साथ, तो स्नोफॉल मिला था हमें और हमने पकौड़े खाए थे जी, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ, ये जगह देख के तो मुझे आप और ज़्यादा याद आ गया, बिल्कुल सूरज ग्रूप हो रहा है, ये देखो वही जगह है, यहाँ पर मैंने अपनी पेप्सी रखी थी, उस ज़माने में पेप्सी कितना पीती थी, और मैंने कहा था कि पहली दफ़ा मैंने बाहर रखी हुई पेप्सी ठंडी पिए, और बहुत ज़बरदस्त इसके वक्त व्यू हो रहा है, ओए होए होए, और इस वक्त ठंडी बिल्कुल ना, हाथ जो है मेरा बिल्कुल देख किस तरह का हो रहा है, अजीब अजीब सा सर्दी वाला। और अभी हम लोग यहाँ रास्ते में रुके हैं
और ऐसे ही हमने कहा थोड़ा सा इंजॉय कर लेते हैं यार रुक के, बिल्कुल सनसेट हो रहा है और पीछे से हमारी अम्मी हमें डांट रही हैं कि खबरदार आगे नहीं जाओ ज़्यादा। और इसी तरह मैं अपने बच्चों को डांट रही होती हूँ, तो इसी तरह हमारी अम्मी हमें बोल रही होती हैं, गुस्सा कर रही होती हैं, और इसी तरह मैं डांट रही होती हूँ। मैं तो और से ज़्यादा डांट रही होती हूँ। अम्मी के बच्चे तो थोड़े बड़े हो गए, थोड़े से थोड़े ज़्यादा बड़े हो गए, लेकिन जो मेरे बच्चे ना अभी देखना, उनमें से किसी को टोपा नहीं पहनना, किसी को जैकेट नहीं पहननी, किसी को स्वेट शर्ट चुभती है, बड़े मसाइल होते हैं भाई बच्चों के साथ आने में। और जब अब्बा के बगैर आते हैं बच्चे, उस वक्त तो बहुत ज़्यादा तमाशा लगाते हैं ये ना, क्योंकि उन्हें पता होता है कुछ भी करते रहें अम्मा इग्नोर करेंगी, तो ये वाली बात है। तो मज़ा आ रहा है, आपको व्यू दिखाती हूँ, चलो मैं। ये देखें ये खूबसूरत सी जगह, ज़बरदस्त मौसम, ओए ये इस वक्त ये चेक करो क्या ज़बरदस्त जगह है, व्यू। और ये आगे चट्टू मोहम्मद, पीछे हो मोहम्मद। सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद ऐसी शक्ल हो जाती है। चलो ईशा, आवाज़ नहीं आ रही, लगाओ सिर। उसकी तो भाई लटे घूमती रहेंगी, लटे घूमती रहेंगी, पागल हो गए तुम। वो उसने ये लटे नहीं है, इसकी कटिंग हुई भी आगे से। नहीं नहीं, इसको सही पीछे कर लो, मुंह तो सही बनाओ ईशा। इस लड़के का सॉफ्टवेयर ज्यादा अपडेट करना क्या। बस भाई बच्चों को लग गई है सर्दी और ना, तुम्हारी तो कहानी मुझे पता है, तुमने कमरे में जाके तुम्हें सर्दी भी लगनी है, तुम्हें वहां जाके तुम्हें सब कुछ पहनना याद आता है। और क्या आपके बच्चों का सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद ऐसी शक्लें होती है? नहीं नहीं होती, तो ऐसी होती है हमारी ना, ये हम पकड़ के रखते हैं, उसमें भी इनका मुंह बना रहता है। एक दफा मैंने सॉफ्टवेयर अपडेट करा, नहीं हुआ सही से, फिर इनके अब्बा जी का फोन किया गया और उनसे बोला कि थोड़ी आपकी मदद की जरूरत है। वो था ना रेस्क्यू बंदे को, रेस्क्यू के लिए फोन करता है बंदा, तो मैं अपने रेस्क्यू के लिए अपने बंदे को फोन कर रही थी कि देखो इन लोगों को जरा संभालो, ये कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं, बिल्कुल कुछ नहीं पहन रहे यार, बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, फ्रीजिंग टेम्परेचर इस वक्त हो रहा है, बर्फ़ नहीं है और बर्फ़ यार कहीं पर भी नहीं है, दूर तक जहाँ जहाँ पहाड़ नज़र आ रहे हैं ना, कहीं कोई एक ड्रॉप भी बर्फ नज़र नहीं आ रहा। और जहाँ जा रहे हैं ना हर बंदा बोल रहा है दो दिन रुक जाए, दो दिन बाद बर्फ़ हो जाएगी, कोई कह रहा है एक दिन बाद बर्फ़ होगी। मैंने कही न्यू ईयर नाइट से हम यही सुन रहे हैं कि बर्फ़ होगी, अभी तक तो कहीं पर भी नहीं है ना, हम जहाँ जहाँ गए वहाँ कहीं पर भी नहीं है, फॉग का बहुत बुरा हाल है। और बस अभी चलते हैं, आके बस थोड़ी देर बैठती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस्लामाबाद पहुँच गए, हमने नथिया गली में स्टे नहीं किया था। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह।